We have a good news to share with you all. Hello everyone, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. और जैसा कि आज आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, मैं आप लोगों के साथ एक हैप्पी न्यूज शेयर करने वाली हूँ. बट वो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं घर पे अकेली हूँ. एक्चुअली गोविंद भी है बट वो सो रहा है. एंड ये हैप्पी न्यूज़ हमारे लिए एज अ फैमिली है, एंड आई लाइक टू कीप इट दैट वे. सो जब हम पूरी फैमिली एक साथ होंगे तभी ये न्यूज़ आप लोगों के सामने मैं ब्रेक करना चाहूँगी. तब तक आप फाइल गेसेस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि क्या हैप्पी न्यूज़ हो सकती है. तो आज मैं बहुत 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 खुश हूँ इस न्यूज़ को फाइनली आप लोगों के सामने मैं ला रही हूँ. मुझे ना आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा पर्सनल कनेक्शन फील होता है, क्योंकि यू नो आई एम ऑन यूट्यूब सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स. एंड कितनी सारी मैंने वीडियोज़ डाली हैं जिसमें मैंने बताया कि मैं बीमार हूँ या मैं सैड फील कर रही हूँ या कोई भी जो भी मेरे अंदर फीलिंग होती है वो आप लोगों तक हमारी वीडियोज़ के थ्रू ट्रांसमिट होती है. तो वाई नॉट हैप्पी न्यूज़, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, जो मुझे रेगुलरली कॉमेंट करते रहते हो, उनके साथ तो एक ना पर्सनल कनेक्शन बन जाता है. उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे पता है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है आप लोगों को पता है, तो बहुत अच्छा लगता है. सो मैंने सोचा कि ये गुड न्यूज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करनी ही करनी है. बट अभी नहीं शेयर करूँगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा. तब तक आप वाइल गेस ज़रूर करिएगा. तो अभी दोपहर का टाइम है और मैंने सोचा इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करते हैं, डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर शाम को जब हम एज अ फैमिली एक साथ इकट्ठे होंगे तब ये गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. तो सबसे पहले मेरा काम किचन में आते ही होता है कि जो भी बर्तन रहते हैं टोकरे में उसको मैं खाली करती हूँ, क्योंकि बर्तन अगर टोकरे में रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किचन काफ़ी क्लटर्ड है. तो सबसे पहले काम मैं वही करती हूँ. और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लैविश डिनर बनाऊँ, तो सब चीज़ें मैंने जो है काउंटर पे निकाल के रख ली हैं. अब मैं फटाफट से कुकिंग अपनी स्टार्ट करूँगी. आज मैं मूली के लच्छे, आलू परवल की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ. अक्सर तो मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाती, क्योंकि आप सब जानते ही हो वी आर जस्ट अ फैमिली ऑफ 3 पीपल, और अगर इतना सारा खाना डेली बनेगा तो वो ज़्यादातर वेस्ट ही जाएगा, एंड आई डोंट लाइक वेस्टिंग फूड एट ऑल. सो कम ही खाना बनता है, बट आज सोचा कि चलो खुशी का मौका है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं. तो आलू को मैंने चॉप करके भिगो के रख दिया है. अगर आप आलू की सब्ज़ी तुरंत तुरंत भी बना रहे हैं तो आप कच्चा आलू इस तरीके से पानी में सोख करके ज़रूर रखें, इससे आपका आलू कभी भी काला नहीं पड़ेगा. और देखिए परवल भी मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और अब इसे मैं छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ. छोटा छोटा चॉप करने से ये कुक भी बहुत अच्छी होती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है. और अभी मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ. एक स्टव पे थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए रख दिया है आलू परवल की सब्ज़ी के लिए, और साथ साथ मैं अपनी मूली भी ग्रेट करके रख दूँगी लच्छा बनाने के लिए. तो इसी तरीके से मल्टीटास्किंग मैं करती हूँ जब मुझे ज़्यादा खाना बनाना होता है, तो मेरा खाना बहुत ही क्विकली बन जाता है. और आलू परवल की सब्ज़ी तो बहुत ही बेसिक सब्ज़ी है, आप सभी लोग अपने घर पे बनाते ही होंगे. और देखिए तेल गरम होने पे मैंने इसमें हींग, जीरा, ग्रीन चिली और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हल्दी पाउडर मैं गरम तेल में ऐड करती हूँ, उससे कलर जो है सब्ज़ी का वो बहुत अच्छा आता है. और बस उसके बाद सारा सामान इसमें एक ही साथ पड़ जाता है, तो मैंने इसमें आलू, परवल और सारे मसाले जैसे कि सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, किचन किंग मसाला सब एक साथ ऐड कर दिया है. और अब एक बार मिक्स करके इसे मैं ढक के लो मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी. और जैसा कि आप देख रहे हो ब्लेंडर में मैंने अपने पनीर की सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो भी बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. मैंने 2 लार्ज टमेटोज़, 2 टीस्पून्स दही, 2 ग्रीन चिलीज़ एंड 5 से 7 काजू के पीसेस की ग्रेवी बना के रख ली है. और अभी मैं जो मैंने मूली ग्रेट करके रखी थी उसको भी स्क्वीज़ कर रही हूँ. ये मैंने विदाउट सॉल्ट जो है मूली रखी थी, तो जो भी एक्सेस पानी होता है बस उसको मैंने हटाया है, इससे जो आपके लच्छे हैं वो एकदम कड़वे नहीं होते. और इसके बाद मैं इसमें 1/2 चॉप टमेटो, 1 ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी. इसमें मैं भुना जीरा पाउडर, सॉल्ट एंड लेमन जूस सर्व करते वक्त ही ऐड करूंगी, अदरवाइज़ मूली अभी ही पानी छोड़ देगी और फिर वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता. और साथ ही साथ मैं अपनी पनीर की सब्ज़ी भी तैयारी शुरू कर रही हूँ उसके लिए भी. तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी का. तो एक मैंने लार्ज अनियन लिया है, उसको मैंने ग्रेट किया है
और यहाँ पे मेरी आलू परवल की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। और मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं जब तक आप सूखी सब्ज़ी को 15-20 मिनट तक 25 मिनट तक लो फ्लेम पे सेको ना तब तक उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं भी उसी तरीके से अपनी सारी सूखी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकती रहती हूँ। और देखिए अच्छे से सब्ज़ी जब सिक गई है तब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला, अमचूर पाउडर और धनिया पत्ता ऐड किया है। अब मैं अपनी पनीर की सब्ज़ी तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, जस्ट थोड़े से घी से मैंने इसे ग्रीस किया है। और देखिए मैंने ट्रायंगुलर शेप के पनीर पीसेस काटे हैं, तो थोड़ा सा मैं लाइट ब्राउन होने तक इन्हें दोनों साइड से सेकूंगी। और यहाँ पे मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो घी लिया था मैंने 2 टीस्पून्स के अराउंड और उसमें जीरा ऐड किया। उसके बाद अब ये ग्रेटेड अनियन ऐड कर ली है। तो जब तक अनियन हमारी पक रही है, देखिए ये मेरा पनीर भी सिक रहा है दोनों साइड से। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन होने तक ही मुझे सेकना है पनीर को। और देखिए मेरी अनियन भी यहाँ पे कुक हो चुकी है। तो अब इसमें सब मसाले मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला, कोरिएंडर पाउडर एंड पनीर मसाला मैंने ऐड किया है। और मसाले को भी अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैं अपनी जो टमाटर और कर्ड का मैंने प्योरी बना के रखी थी वो भी ऐड कर दूँगी। और अब इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर दे। और आपको पता चल जाएगा कि आपका मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, बट आपको पता चल जाएगा जब ऑयल सेपरेट होना शुरू होगा। और साथ ही साथ मैं अपने लिए दूध दलिया बना रही हूँ। ये बहुत ही यमी लगता है खाने में एंड एट द सेम टाइम इट हेल्प्स इन वेट लॉस टू। सो ये रोस्टेड दलिया है, मैंने 1/4 कटोरी दलिया लिया है। उसमें जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूँगी और दलिये से मेजरमेंट करते हुए मैंने अराउंड 2.5 गुना पानी डाला है। और अब इसे मैं 2 विसल्स के लिए कुक करूँगी। और देखिए यहाँ पे मेरा जो पनीर की ग्रेवी है वो भी सिक चुके हैं अच्छे से प्याज टमाटर। अब इसके अंदर मैंने अराउंड 2 टीस्पून्स केचप ऐड किया है, इससे सब्ज़ी में एक अच्छा सा मीठा फ्लेवर आ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अभी तक हमने सब्ज़ी में सॉल्ट नहीं ऐड किया तो मैंने अकॉर्डिंगली ही सॉल्ट ऐड किया है। और बस एक बार चलाने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी ग्रेवी बनाने के लिए। तो देखिए पनीर की सब्ज़ी में भी उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये कसूरी मेथी डाल दूंगी और पनीर पीसेस डाल दूंगी, जिससे कि सारी सब्ज़ी ओवरऑल जो है एक फ्लेवर की हो जाए और फिर ये बहुत यमी लगती है खाने में। और हम वेजिटेरियंस के लिए तो पनीर की सब्ज़ी ही एक लैविश डिश होती है। और देखिए ये मेरा दलिया जो है कुक हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 कप मिल्क डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आज की खुशखबरी अंशुल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो मैं बंद मुंह बंद करूंगी बट अंशुल बताएंगे। लास्ट ईयर पीएचडी खत्म करने के बाद मैं पोस्टडॉक की तरह काम कर रहा था एंड फाइनली मेरे को 2 कंपनी से ऑफर मिला है, एक शिकागो में है एक न्यूयॉर्क में है। एंड वी हैव डिसाइडेड कि वी विल गो टू शिकागो। और फर्स्ट वीक ऑफ जून से मैं जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, लास्ट वीक ऑफ मई में हम लोग यहाँ से शिफ्ट करेंगे शिकागो। एंड फॉर्चुनेटली वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, इट्स अ लग्जरी अपार्टमेंट, प्रिया को काफ़ी पसंद है एंड आई एम 100% श्योर कि आपने इसका हाउस टूर देखा होगा। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट हाउस टूर। यस फॉर श्योर, धीरे धीरे आप लोगों के लिए हाउस टूर भी लेकर आऊंगी जब हम लोग वहां पहुंचेंगे। एक्चुअली ये न्यूज हम लोगों को काफी टाइम पहले मिल चुकी थी, बट आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि हम लोग शिकागो ही मूव करें क्योंकि कपल ऑफ इंटरव्यूज और भी चल रहे थे। सो वी वर नॉट श्योर कि हम कहाँ जाएंगे, तो यू नो ऐसा नहीं करना चाहते थे कि एक दिन कुछ बताएं एक दिन कुछ बताएं। सो जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगी। एंड अब हम लोगों का सब कुछ सेटल हो चुका है, शिकागो में हम लोगों ने घर बुक कर लिया है, हमें एग्जैक्ट डेट पता है हमको कब मूव करने वाले हैं एंड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी आर सुपर सुपर हैप्पी। सो वी वॉन्टेड यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी, यू टू बी द पार्ट ऑफ दिस हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू कॉन्स्टेंटली गिव मी। एंड नो डाउट मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 3 से 4 हफ्ते में प्रिया की वीडियो डालने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहेगी बिकॉज वी हैव टू पैक आर स्टफ, का पूरा घर पैक करना है, यहाँ से शिफ्ट करना है 1800 miles, तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ जॉब।
Yes, and but मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखाऊं किस तरीके से मैं पैक करी हूँ. जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो माई न्यू अपार्टमेंट. अभी मैं अपार्टमेंट बोलूंगी क्योंकि होम उसे हम घर जाकर बनाएंगे. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना नया घर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. तो ये एक छोटी सी या आप कहिए बड़ी सी गुड न्यूज थी जो हम लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. तो शाम भर हमारे डिस्कशन ही चल रहे थे मूविंग वगैरह को लेके और अभी डिनर टाइम हो गया है. तो आज मैं सभी लोगों के लिए पतले पतले पराठे बना रही हूँ. अनिरुद्ध के लिए हर रोज़ कोई ना कोई शेप पराठा बनता है डिपेंडिंग ऑन हिज मूड. आज उसने बोला मम्मा स्क्वायर पराठा खाना है. तो कभी वो बोलता है सर्कुलर, कभी वो बोलता है ट्राइंगुलर, कभी स्टार शेप पराठा भी मैं बनाती हूँ. बस डिनर के बाद हम लोग आए हैं वॉलमार्ट क्योंकि हमें मूविंग एंड पैकिंग के लिए कुछ स्टफ़ चाहिए था, जैसे कि बबल रैप बॉक्सेस एंड मूविंग ब्लैंकेट्स वगैरह. और मुझे कुछ जिप लॉक बैग्स भी चाहिए थे अपना किचन का सामान पैक करने के लिए. आज मैंने छोटे वाले जिप लॉक बैग्स ही लिए हैं. देखिए ये 90 सैंडविच बैग्स हैं इसके अंदर. एंड दिस इज द सेक्शन यू हैव टू विजिट वेन एवर यू कम टू वॉलमार्ट. एंड यू ऑल नो फॉर होम वी कम हियर. उसको हॉट व्हील कार्स बहुत पसंद है तो जब भी हम यहाँ आते हैं वो एक ना एक कार जरूर लेके जाता है. सो फ्रेंड्स हम लोग घर आ चुके थे एंड वी गॉट रेडी फॉर द बेड एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू स्लीप. बट सोने से पहले मैं अनिरुद्ध को एक बुक ज़रूर पढ़ाती हूँ. इट इज़ अ वेरी नाइस हैबिट दैट यू शुड डेवलप इन योर किड. इट एनहांसेस देयर वोकैबुलरी, इट डेवलप्स देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक छोटी सी ही बुक चाहे पढ़ें लेकिन अपने बच्चे के लिए बेड टाइम पर ज़रूर रीड करें. तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी. उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए आए हैं तो. एंड फिर से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जो आप लोग इतना सारा प्यार शावर करते हो मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन यू टेक केयर, बाय, लव यू ऑल.